और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि 5 जवान हमारे इसमें शहीद हो गए। अभी भी मौके पर स्थिति ये है कि वहां पर ऑपरेशन जारी है। पुंछ में करीब 15 घंटे से मुठभेड़ वहां पर जारी है, आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, यानी कि वो ये जानते थे कि कौन सी गाड़ी में हमारे जवान सवार होकर जा रहे हैं, कौन से रूट से वो आ रहे हैं और दोनों तरफ से जिस तरीके से उनको घेर कर हमला किया गया और इसका कारण यही रहा कि 5 जवान हमारे ऐसे जो यहां पर शहीद हो गए। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, रिफत और कोमल। कोमल का सबसे पहले रुख करती हूँ। कोमल, जो जहां पर वारदात हुई है वहीं से मेरे साथ जुड़ रही है। कोमल, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जरा तस्वीर दिखाइए, इस वक्त कैसे वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, दर्शकों को तस्वीर जल्दी से दिखाइए। देखिए, बिल्कुल आप देखिए, इस वक्त तो हम ग्राउंड जीरो पे हैं जहां पर हमला हुआ था, उसके ठीक दूरी पर यहां पर देखिए जो नाकाबंदी यहां पर की हुई है, यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि सेना के जो जवान है वो और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो देर रात से ही यहाँ पर चौकन्ने यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें अगर आप देखें, ये पहाड़ी इलाका है। अगर तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहाड़ी इलाका है। इसी इलाके से, इस सड़क से वो जो सेना के वाहन है वो यहाँ से गुजरे थे और कैसे उन्होंने घात लगाई होगी इन पहाड़ी इलाकों में और घात लगा के उन्होंने सेना के वाहन पर हमला किया है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस ऐसे जो सुनसान रास्ते से वहां पर आतंकी खड़े होंगे घात लगाकर और एकाएक वो अंधाधुंध फायरिंग सेना के जवानों पर करेंगे, गाड़ी पे हमला करेंगे। और ये एक बड़ा दर्दनाक हमला जो है वो हुआ है, सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि आतंकियों ने ये जो हमला किया है, 2 महीने पहले से ही वो इस डेरा की गली में रुके थे, स्थानीय लोगों की उनको मदद मिली थी और इसके साथ साथ उन्होंने 2 महीने से पहले ही यहाँ पर रेकी की थी। आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर जो जवान है वो देर रात से यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद है। लेकिन ऐसे ये जो जंगल वाला इलाका है, जो डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया, आप देखिए जंगल, दूर दूर घर है, तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ उन्होंने मदद ली होगी। जाहिर सी बात है कि ये जो पहाड़ी इलाके के जो घर है, किसी स्थानीय लोगों ने जो मदद की है, कैसे वो यहाँ से हथियारों के साथ वो इन पहाड़ियों से नीचे उतरे होंगे और फिर वो इस सड़क तक पहुँचे होंगे और सेना तो जो वाहन है यहाँ इसी सड़क से जब गुजरा था और कैसे उन्होंने वो हमला किया, तो जाहिर सी बात है ये एक प्री प्लानिंग थी। 2 महीने पहले से ही इस इलाके में उन्होंने रेकी की थी, उन्हें मालूम था कि इतने बजे सेना के वाहन यहाँ से गुजरेंगे। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक सेना के वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कुछ टाइम होता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ से वो वाहन गुजरे थे और कैसे घात लगा के वो बैठे थे, एक हमला किया है, पहले भी उन्होंने इस तरह से घात लगा के 20 अप्रैल को हमला किया, तब भी 5 जवान शहीद हुए थे पुंछ के बीजी में और आज भी ऐसा हमला हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर अगर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें, सुनसान इलाका था, सुनसान सड़क थी, यहाँ पर रात से ही बैरिकेडिंग की गई, जवान यहाँ पर मौजूद है, सेना के सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं, भारी भरकम हथियारों के साथ वो यहाँ पर चौकन्ने खड़े तो हैं, लेकिन बड़ा दर्दनाक हमला हुआ है क्योंकि यहाँ से सेना के वाहन जो गुजर रहे थे, उन वाहनों ने अपने कैंप में जाना था, वहाँ पहुँचना था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिस अपने इलाके में, जिस अपने डेस्टिनेशन पे वो जा रहे थे, वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि घात लगाकर आतंकियों ने जो हमला किया है, ये बेहद बड़ा और दर्दनाक हमला हुआ है। और इस इलाके में जम्मू राजौरी और पुंछ में ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरा हमला हुआ है। पहले भी घात लगाकर वाहन पर हमला हुआ, सेना के वाहन पर हमला हुआ, फिर आतंकियों ने वीडियो भी जारी किया और आज फिर इसी तरीके से ये सुनसान सड़क, यहाँ से गुजरा था वो काफिला और इस काफिले से गुजरते हुए कैसे कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि घात लगाकर इन पहाड़ी इलाकों पर आतंकी बैठे थे और उन्होंने एकाएक उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जी बिल्कुल कोमल, उसी जगह से न्यूज 18 इंडिया दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन कोमल, जैसा आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 2 महीने से वो यहाँ पर हो और रेकी कर रहे हो और जो आसपास रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोगों की मदद ना मिल रही हो। इससे पहले भी हमने ये हमेशा देखा है, यानी कि वो लोग जो रहते यहाँ पर हैं वो मदद आतंकियों की करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं, उनको अपनी शहादत देनी पड़ती है।
देखिए, बिना स्थानीय लोगों की मदद के इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। वो दो महीने से अगर यहाँ पर रैकी कर रहे थे, उन्होंने खाना भी खाया होगा, उनके पास भारी भरकम हथियार थे, वो कहीं रहे भी होंगे। पहले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार आते हैं, पैसा भी आता है, ड्रग्स भी आता है, फिर आतंकी भी आते हैं। पहले ऐसा होता था, आतंकी जब कंटीली तारों को LOC से पार करते थे तो हथियारों के साथ आते थे, खुद भारी भरकम हथियारों के साथ आते थे। लेकिन अब जब आतंकियों ने यहाँ पाकिस्तान से इस पार आना होता है, घुसपैठ करनी होती है, तो पहले ड्रोन के जरिए हथियार आ जाते हैं। लेकिन ड्रोन के जरिए हथियार कौन लेता है? स्थानीय लोग। मदद कौन करता है? स्थानीय लोग। तो स्थानीय लोगों की मदद के बिना इतने बड़े हमले को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। मैं आपको फिर से कहूंगी कि ग्राउंड जीरो से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि बेहद दुखद है कि यहाँ से गुजरा था सेना का काफिला, इसी सड़क से उनकी गाड़ियां निकली थी, जा रहे थे अपने कैंप में, लेकिन नहीं पता था कि इसी सड़क पर वो अपनी शहादत दे देंगे। और इतना बड़ा हमला जो है वो एक पाक साजिश जो रची गई है, इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। इसी इलाके में वो दो महीने रहे हैं, इसी इलाके में उन्होंने दो महीने रैकी की है, इस इलाके में खाया है, स्थानीय लोगों की मदद ली है, स्थानीय लोगों की मदद से ही वो सड़क पर पहुंचे, उन्होंने घात लगाई, हथियारों के साथ वो थे, भारी भरकम हथियार उनके पास थे। ये भी कहा जा रहा है कि अगर दो वाहनों पे उन्होंने हमला किया है तो जाहिर सी बात है आतंकियों की संख्या भी ज्यादा होगी। गाड़ियों को रोका था, गाड़ियों को घेरा था, फिर उन्होंने फायरिंग की, तो आतंकियों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है ठंड इतनी है, कितना ही बड़ा हाइड आउट होगा जो पहाड़ी में छुपे होंगे। दो महीने तक अगर उन्होंने रैकी की है तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों की बेहद उनको मदद मिली है, उसी के चलते उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल कोमल, और जैसा आप बता रही हैं कि संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए वहां पर ऑपरेशन भी लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिफत का मैं रुक कर लेती हूं। रिफत, जैसा कि कोमल ने इससे पहले भी बताया कि अभी भी पाकिस्तान लगातार वहां से आतंकी भेज रहा है, और ऐसा कोमल भी इससे पहले बता रही थी कि अभी भी कई आतंकी हैं जो घुसपैठ की पूरी तरीके से तैयारी में है। लेकिन इस वक्त वहां पर आप इंतजाम क्या देख रहे हैं? चूंकि देखिए डिकोड तो ये भी खुफिया एजेंसी की तरफ से कर लिया गया है कि रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की साजिश है, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, कैसी तैयारी वहां पर? देखिए, लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, अब ढूंढ निकाला जाएगा उन लोगों को जिन्होंने अटैक किया। लेकिन जिस तरीके से आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात की, घुसपैठ की बात की, हर बार कोशिश हो रही है उस पार से घुसपैठ कराने की, और जिस तरीके से पहले 90s में कश्मीर एरियाज में घुसपैठ होती थी, लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं राजौरी और पुंछ में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें कराई जा रही हैं, और ख़ास तौर से जो वहाँ के एरियाज हैं वहाँ पे मिलिटेंटों की प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और एक मनसूबा ये भी है कि जब राजौरी और पुंछ में घुसपैठ होती है, उसके ज़रिए से मुगल रोड के जरिए से साउथ कश्मीर मिलिटेंट पहुंच सकते हैं और कश्मीर घाटी में भी उनकी प्रेजेंस हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके के पहाड़ी सिलसिले हैं। ये भी पीर पंचाल रेंज का एरिया है, एक बहुत बड़ा वसी एरिया है पीर पंचाल का। ये बारामुल्ला या गुरेज से शुरू होकर आगे बारामुल्ला और उसके बाद बड़गाम का एरिया, उसके बाद राजौरी पूछिए, सारा पहाड़ी सिलसिला पहुंचता है। आप देख सकते हैं किस तरीके का डिफिकल्ट एरिया है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर तरफ से सेना इस पर नज़र रखे, क्योंकि बहुत सारे दर्रे ऐसे हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि LOC जो है इन पहाड़ियों के पीछे है, और जब इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होती है कई जगहों पे इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा जाता है, कई जगहों पे घुसपैठियों को मारा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी दर्रे हैं जहां पे वो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो बस्तियों में चले जाते हैं जहां उनको कहीं पनाह मिलती है, और उसके बाद अगर उनको कहीं टारगेट लगता है, कोई सॉफ्ट टारगेट लगता है, यानी कहीं से आर्मी की गाड़ी घुसी, कहीं से पुलिस की गाड़ी आई और उन पर हमला बोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने ये देखा था कि पहले ऐसा होता था कि कोई फिदाइन अटैक होता था, लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो है मिलिटेंट कोई फिदाइन अटैक करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि फेंसिंग आर्मी कैंप्स की बढ़ाई गई, पुलिस कैंप्स की बढ़ाई गई, SOPs फॉलो किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह है कि आज सेना को क्यों ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा, क्यों शायद प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं कमी रही है, SOPs में कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से नॉन BP गाड़ियों में जो है आर्मी के लोग सवार थे और जिसपे अंधाधुंध मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिनकी संख्या कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, लेकिन अभी बाकी डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक जरूर यह है कि नॉन BP व्हीकल्स में आर्मी के लोग थे जिन पे फायर का असर
नजर आया, यानी गोलियां जो लगी उसकी वजह से जो है आर्मी को कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। अगर हो सकता था कि इस हमले को टाला जा सकता था। रिफत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कोमल आप भी बने रहिए, क्योंकि जब भी घाटी में हम ऐसी तस्वीर देखते हैं तो सबकी उम्मीद बंद जाती है। दिल्ली से, दिल्ली से इस वक्त संदीप बोल मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और संदीप, जब मैं दिल्ली कह रही हूं तो हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार की नीति कितनी जबरदस्त है आतंकवाद के खिलाफ। जब भी ये नया हिंदुस्तान है, हम जानते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान को छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लवीना, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके की नीति हमारी है वो अपने आप में ये महसूस करा देता है कि हम लोग आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। लेकिन अभी के जो सूरत हाल है, जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, वहाँ पे माहौल बिल्कुल क्लीन हो रहा है, बहुत शांत हो गया है माहौल। नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ पत्थरबाजी तक होती थी, बंद कॉल किए जाते थे, टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होते थे, फिदायीन अटैक, जैसे कि रिफत ने भी कहा कि फिदायीन अटैक ज़्यादा होते थे। उसके पीछे की वजह ये थी कि वहाँ पर लोकल सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो गया, टेररिस्ट फंडिंग बंद हो गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से नकेल कसी गई उसने एक तरीके से कमर तोड़ दी है टेररिस्टों की। और यही वजह है कि अब इतने बड़े अटैक कर पाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का अटैक हुआ सुरनकोट, ये एक ऐसी जगह है, ये ऑलमोस्ट एक वैली का इलाका है और एम्बुश के लिए इस तरीके के इलाके को परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि एक तरफ वैली है और एक तरफ जो है पहाड़ है, तो ऐसे में वहाँ अगर कोई गाड़ी फंसती है तो उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो जानकारी, जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं, जिन्होंने पहले जिप्सी पे फायर किया, उसके बाद पीछे 2.5 टन जो चल रही थी, जो बड़ा ट्रक था उस पर फायर किया, तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें यहाँ ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्यों इतना ज़्यादा ऑपरेशन जम्मू की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्थ पीर ऑफ पंजाल यानी कश्मीर का इलाका है, इस वक्त वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है, इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जम्मू रीजन में बर्फबारी नहीं हुई है, तो ऐसे में यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें इस वक्त भी जारी रहती हैं। और हम लोगों ने इससे पहले भी जितने भी बार अटैक देखे हैं, जिस तरीके के हमले की कोशिश हुई या हमले हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान ने अपने जो पुराने जो टेररिस्ट थे, जो कि 6-6 महीने साल साल भर तक जो है उन रिहाइशों में रहते हैं, उसके बाद फिर वो रेकी करते हैं और एक सुटेबल टाइम देखकर जो है उसको फिर इस तरीके का एम्बुश करने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आजकल में ही ये टेररिस्ट अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया होगा, हो सकता है कि ये साल भर से यहाँ रह रहे हों, बस्तियों में रह रहे हों, और उसके बाद एक ऐसा टाइम देखा थी कि 2 महीने से, अभी तक की जानकारी ये कहती है कि 2 महीने से वो बकायदा वहां पर रेकी कर रहे थे। मैं कोमल का एक बार फिर से रुक कर लेती हूं। कोमल, आप चूंकि उसी जगह पर मौजूद हैं, आप जरा एक बार फिर से, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर दर्शकों को दिखाइए कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां से कितनी दूरी पर जो वाहन है वो गुजर रहा था और उसके बाद अटैक किया गया, और वहां से जो सीमा होगी पाकिस्तान की वो कितना दूरी पर होगी, जरा तस्वीर आप एक बार फिर से दिखाइए। बिल्कुल, ये तो दिखाने में भी हमें अफसोस हो रहा है कि जिस सड़क पर हम इस समय खड़े हैं, इसी सड़क से उनके वाहन गुजरे थे, वो अपने कैंप की तरफ जा रहे थे, उनका काफिला जा रहा था, तो हम जब यहाँ पर खड़े हैं हम ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ से वो गुजरे थे और अगले ही पल उनको शहीद होना पड़ा, आतंकियों ने उन पर हमला किया। नहीं सोचा था उन्होंने कि आगे जहाँ अपने कैंप में जा रहे हैं रास्ते में ही आतंकी घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन हर बार सेना का जो जवान है वो देश की रक्षा करने के लिए अपने घरों से बाहर आता है, सेना में भर्ती होता है, लेकिन वो नहीं सोचता, नहीं उन्हें मालूम होता कि जहां वो देश की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा है या फिर गाड़ियों में अपने कैंप की तरफ जा रहा है तो वो शहादत पाएगा और तिरंगे में लिपट कर अपने घर जाएगा। ये किसी जवान ने नहीं सोचा होता, लेकिन फिर भी अपनी छाती पे गोली खाने के लिए तैयार रहता है। हमें बेहद अफसोस भी हो रहा है उस स्पॉट से कवरेज करते हुए कि जहां से यहां से उनका काफिला गया था, ये आगे सुनसान रास्ता था। ये जो जवान आप तस्वीरों में देख रहे हैं इनके चेहरे तक मायूस हो गए हैं, 24 घंटे लगातार ये ड्यूटी देते हैं और इनकी नजरें देखिए, अगर आप इनका चेहरा देखें तो इनकी नजरें देखें, आज भी अभी भी सुबह होने तक भी उन्हीं पहाड़ियों पर है कि कहां था वो दुश्मन जिन्होंने इनके जवानों को मार गिराया है, कहां था वो दुश्मन छुपा हुआ जहां पर वो खड़े होकर, जहां पर रह के उन्होंने हमला किया है सेना के जवानों पर। तो हर एक जवान की आंखें जो है वो नम भी है और हर एक जवान की आंखें खोल चुकी हैं कि कहां थे वो दुश्मन जिन्होंने हमारे इनके साथियों को जो है वो मार गिराया है। हमें भी बेहद अफसोस हो रहा है कि गुजरे तो थे इस सड़क से, पहुंचना तो था अपने स्थान पर, अपने कैंप में, लेकिन नहीं पहुंच पाए।
आपको एक मैं जानकारी जरूर ये भी देना चाहूंगी कि अमीन भट्ट और अबू खुबैब जो कि डोडा के रहने वाले हैं आतंकी, ये पाकिस्तान में बैठकर वहां से जो है वो बहुत सारी साजिशें रचते हैं। पुंछ में भी कई आतंकी ऐसे हैं पुंछ के जो कि वहां पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, पीछे पाकिस्तान है और कोमल ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया में मुंह की खाने के बाद तमाम वैश्विक मंचों पर अपनी आतंकवाद के मुद्दे पर बेइज्जती कराने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बना के रखेगा, कोई और अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन सुरक्षा बल के काफिले पर हमले में 5 जवानों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों तरफ से इस वक्त घेर लिया है। सुरक्षा बल के जवानों का चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, इसके साथ ही राजौरी पुंछ हाईवे को बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से आवाजाही यहां पर बंद हो चुकी है, गाड़ियों पर आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है, आसपास के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे दी गई है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि इसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं, अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवान पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, उन्हें कैसे ढूंढ कर निकाला जाए, उनका खात्मा कर दिया जाए। उधर आप देखिए, खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में ISI के आतंक के प्लान को डिकोड कर दिया है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के किस प्लान को डिकोड किया है और इस प्लान में क्या खतरनाक वो कर रहे थे। हाईवे पर सुरक्षा बल के जवानों पर हमले की बड़ी साजिश को डिकोड किया है, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, ये भी जानकारी मिल गई है। ग्रेनेड हमले और ID के जरिए हमले की साजिश रची जा रही थी और बर्फबारी के बीच में कश्मीर में हमले की साजिश रची जा रही थी। अब आने वाले समय में ये तमाम वो प्लान्स हैं जो इस वक्त वहां पर किए जा रहे हैं।